हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, सुबह सुबह हो चुका 11 और हम सब लोग गए थे सुबह खेत पे आए, बाद में गांव पे एक शादी थी तो उसमें सभी लोग गए थे और फिलहाल आ चुके वापस खेत में। और वापस आके देखा तो हमारा जो ऑर्गेनिक सब्जी जो हमने लगा रखी थी वहाँ, देखिए क्या हाल कर दिया हमारी सब्जी का। देखिए मिर्च है तो वह यहाँ सब कुछ सब तोड़ दिया, पूरा वहाँ भी तोड़ दिया, यहाँ भी तोड़ दिया, यहाँ भी, देखिए सब कुछ नष्ट कर दिया। हमारी एक भैंस थी ना तो किसी तरह से छूट गई थी, तो वो सीधा वहाँ से यहाँ पर आई और सब कुछ तोड़ दिया। यहाँ भी वहाँ भी तोड़ा हुआ है, वहाँ में छोटे छोटे आम के पौधे थे ना, वो पौधे भी तोड़ दिया। और फिलहाल ध्रुव भाई यहाँ पे सो रहा है, देखिए ध्रुव भाई बहुत गहरी नींद में दूध पीता हुआ ध्रुव भाई सो रहा है और मैं फिलहाल बना रहा हूँ चाय, क्योंकि गाइज सुबह चाय पी थी, बाद में अभी चाय पीने का थोड़ा मन हुआ, क्योंकि गाइज सुबह के या शाम कोई भी टाइम हो, जब तक हम खेत वाली चाय नहीं पीते यहाँ, यानी कि देसी सूल्हे की चाय, तब तक हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हमने चाय पी हुई है। जो गैस वाली, प्राइमस वाली, सगड़ी वाली कोई भी चाय हो, लेकिन जब तक हम हमारे सूल्हे वाली चाय नहीं पीते तब तक ऐसा लगता ही नहीं कि हमने चाय पिया। और चाय पीने के बाद जाना है भावनगर दीदी को मिलने के लिए, उसके लिए सब्जी भी ले जाना है और कुछ और भी दूध भी ले जाना है। और चलो तो जल्दी से बना लेते हैं चाय, बाद में चलते हैं दीदी के घर। तो गाइज ये नज़ारा हमारे खेत का, हमारे खेत के पास में एक बहुत बड़ा तालाब, और तालाब में उस तालाब का ये नज़ारा पूरा देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो दीदी के लिए सब्जी ले जानी है, तो ऑर्गेनिक बैंगन हमारे खेत में अभी हुआ है, टमाटर भी है, और ये देखिए टमाटर अभी पक्का नहीं हुआ है, लाल जो होता है ना पकने के बाद वो लाल हो जाता है, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो फिलहाल तो बैंगन ही तोड़ते हैं, देखिए एकदम बढ़िया, अच्छा देखते ही खाने का मन होता है गाइस। तो कुछ बैंगन ले लेते दीदी के लिए, क्योंकि गाइस हम ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं यहाँ हमारे घर के खाने के लिए। तो जब कहीं हम जाते हैं तो दीदी के लिए लेके ही जाते हैं, देखिए कितना अच्छा अच्छा तो गाइस देखिए ये बैंगन है और ये टमाटर है, तो बैंगन के बीच में से टमाटर की जो ये डाली होती वो निकल के आ गई, तो पता ही नहीं चलता कि ये बैंगन का पौधा है या टमाटर का पौधा, पर ये तो ये बैंगन का ही पौधा और बीच में से निकला ये टमाटर का पौधा। तो इतना मिला अभी, और ज़्यादा लेना है। देखो गाइस जिस तरह से खराब हो जाता है तो उसको तोड़कर उसको फेंक देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ
जो दवाई आती है डेमोक्रोन वगैरह कुछ कीड़े मारने की, तो वो यहाँ ने इसका छटकाव नहीं करते हैं। तो ये कोई जो ये सब बहुत बढ़िया है, देखिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये दोनों में प्रॉब्लम, तो ये दोनों को फेंकना पड़ेगा बाद में, लेकिन अभी तो तोड़ता हूँ, बाद में फेंकने वाला हूँ। तो गाइज ऑर्गेनिक जो सब्जी करते हैं ना उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है कुछ सड़ जाने का, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होता ही नहीं है। जिसमें यानी कि जिसमें दवाई हम लगाते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, और दवाई नहीं लगाते तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। आगे उसकी बाइक पर ध्रुव की मम्मी, लेकिन हम खेत से जा रहे तो वो तो घर तक ही बाइक लेगी, और घर जाने के बाद ये वाली बाइक में शिफ्ट हो जाएगी हमारी साइन में, और बाद में हम दोनों एक ही बाइक में जाएंगे। तो श्रेय बज चुका है 3:30, तो निकलते हैं झड़प से, क्योंकि शाम होते होते वापस आना है। लेकिन गाइस ये हमारा खेत का रास्ता इतना खराब है ना। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं भावनगर, तो जाते दीदी के घर, तो विभु भाई को मिलते हैं और एक थोड़ा दूसरा काम में वो निपटाते हैं, और बाद में फिर से वापस घर जाने। लेकिन घर जाते जाते शायद बज जाएगा 9:30, तो ठंड भी बहुत लगने वाली है, लेकिन चलो जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हमें जो हमारा दांत था वो निकलवाना था, वो फाइनल निकलवा दिया, और फिलहाल मुझे तो डॉक्टर ने बोलने को भी मना किया और कुछ खाने को भी मना किया, तो मैं तो कुछ नहीं खाता हूँ, लेकिन इसको कुछ खाना है ध्रुव की मम्मी को, तो उसको कुछ खिलाता हूँ, और फिर निकलते घर के लिए। और क्योंकि रात का बज चुका है 8:30 बज चुका है ना, 8:30 बज चुके हैं, तो जल्दी से पहुँचते घर कुछ नाश्ता करने के बाद, तो ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो आज इस वीडियो को करते हैं मिलते हैं अगले ब्लॉग में, यानी कल के ब्लॉग में। तब तक की रेसिपी को बाय गाइस, शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। बाय गाइस।